वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है इंडिया से हार गई। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है, क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं? लोग कहते हैं इंडिकेट किया राशिद खान को फॉर विनिंग द टॉस और फिर उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप जीत गए। आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था जी जी, और जैसे सबकी एक्सपेक्टेशन थी इंडिया जीत गया। व्हाई डिड अफगानिस्तान अंडर परफॉर्म सो बैड? अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो बिलिंग करेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई, तीन खिलाड़ी आउट हो गया यार आपको। मान लिया कि ये सारी बातें सच है पाकिस्तानियों की, मान लिया कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो जानबूझकर हारती है हिंदुस्तान से, ये सब कुछ समझ लो ये हकीकत है, तुम क्यों हारते हो ये बताओ। Having said that, in said that, इंडिया ने आज दिखाया कि छोटी टीम और बड़ी टीम का मार्जिन क्या होता है और उन्होंने बिल्कुल करीब भी नहीं आने दिया अफगानिस्तान को, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। मतलब जितना उनके अंदर रेज और वो बेस्ट टीम टू लुक आउट फॉर, वो बुझी बुझी क्यों देखी? सबसे पहले बताएं कि ये जो जीत का सिलसिला है, हर मैच वो जीतता चला जा रहा है, क्या कहोगे इस पे? इस पे हम उनके दाद देना चाहेंगे। अच्छा? क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन काफी अच्छी है इंडिया के खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि वो मैच से पहले ही अपने आप को जो है वो गिव अप कर चुके हैं और टॉस के वक्त ही हमने देखा। और आज तीन आउट होने के बाद भी गेम को ले गए 182 तक ले गए और एक बड़ा स्कोर होता है उसके बाद ले जाते हैं। बात ये है कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, बात ये कि लोगों को मजा नहीं आता, हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेली आपने। क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है, वो कि अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा। और हमारे लिए शायद अमरीका के डॉलर इम्पोर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत। वन साइडेड मैच हमेशा की तरह एक मरतबा फिर अफगानिस्तान जो है इंडिया से हार गई। आज तक इंडिया से अफगानिस्तान कभी नहीं जीता है, क्या वजह है? प्रेशर में रहते हैं या वफादारियां हैं? लोग कहते हैं देखिए ये अब लोग ही समझते हैं, लोग कहते हैं, मैंने इसीलिए कह दिया, मैंने इसीलिए ज्यादा बात नहीं बोली, मैंने लोग समझते हैं। हाँ जी, वेस्ट इंडीज में ज्यादातर यही हमें नजर आ रहा था कि जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। लेकिन देखिए इंडिया के पास एडवांटेज बहुत है, स्पेशली उनके जो स्पिनर्स हैं, आप देखें उनके पास तीन तीन स्पिनर्स खेल रहे थे आज। जी बिल्कुल, कुलदीप यादव खेल रहे हैं, अक्षर पटेल खेल रहे हैं और वो जडेजा जो है वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास स्पिन अटैक वो भी बड़ा तगड़ा है, बैटिंग तो है ही। लेकिन अगर मैं बैटिंग की बात करूं, देखिए आज फिर विराट कोहली 24 रन 24 बॉलों पे। सर वो तो चेक कर लें, स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट, और ये जरूर बाबर आजम अगर 100 के स्ट्राइक से खेल रहा था बर्बाद, हमारे जो इंडिया के चमचे हैं कह रहे होते कि बाबर क्या क्रिकेट खेलता है, बाबर अपने लिए खेलता है। और जरूर आज अगर उनको देखेंगे वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि विराट कोहली स्लो खेला, वो पता क्या बोलेंगे? हाँ। मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं विकेट थोड़ी सी मुश्किल थी। हाँ। जिसकी वजह से विराट थोड़ा सा संभल के खेल रहा था, संभल के खेला, संभल के खेला, ये स्लो खेल, हाँ बाबर स्लो, ये वर्डिंग इनके लिए होगी। तो सब हैरान हुए क्योंकि इंडिया को तो पहले बैटिंग करना ही थी, रन करने थे और दबाव वाला मैच था, तो उन्होंने इंडिया को बहुत सारी चीजें आसान की, फील्डिंग में वो लैप्सेस करते हुए नजर आए, बॉलिंग में उन्होंने सही ऑप्शंस को ऑफ नहीं किया, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। आपका भी क्या, आपका भी वर्जन ले लेते हैं का जो भारत अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया? आई थिंक हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे, मैंने कल आपसे पूछा एंड यू सेड आई सी इंडिया विनिंग एंड आपने बोला था एग्जैक्टली बाय अ बिग मार्जिन, आपने तो फोरसी कर लिया था। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ कि इंडिया जो है बेस्ट टीम है, टोटली अफगानिस्तान ने जो है ना उनकी स्ट्रेंथ पे खेला है और वो जो वो चाह रहे थे वही अफगानिस्तान ने किया, खुद बैटिंग नहीं की, वजूहत क्या, रन्स अगर हम देखें क्या चाहिए उन्हें, किस तरह चाहिए, उसी पे सब कुछ हुआ। उसके बाद आप देखें बॉलिंग चेंजेस, किस तरह बॉलिंग की, फील्ड को किस तरह उन्होंने एडजस्ट कर रहे थे, टोटली जो है वो ऐसा लग रहा था कि इंडिया की स्ट्रेंथ पे खेलना है, इंडिया की सारे उस पे जो है वो जो है चल रहे हैं, जो इंडिया चाह रहा है वही हो। इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के हवाले से क्या कहेंगे आप, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो उनके भी 8 खिलाड़ी जो हैं वो अफगानिस्तान की टीम ने आउट किए और इतने यादव के अलावा किसी ने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। देखिए अगर आप इंडिया की आज परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो परफॉर्मेंस कमांडिंग थी, इंडिया ने जो मैच खेला वो कमांडिंग अंदाज से खेला, गो के उनके टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़ा कंसर्न उनका है
ना रोहित शर्मा से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, ना विराट कोहली से उस तरह परफॉर्म हो रहा है, और ये दोनों टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, ये दोनों एक्सपीरियंस का निचोड़ है इस टीम में। ये तो अच्छी बात है कि सूर्य कुमार यादव ने आज एनएफ सेंचुरी स्कोर की, 28 गेंदों पर 53 रन बनाए, 32 किया हार्दिक पांड्या, ये सबसे क्रूशल पार्टनरशिप टीम की इनिंग की, कि जो एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक ले गए 181/8, वरना ऐसा लग रहा था शायद इंडियन टीम 160 रन भी कर जाए तो बड़ा टास्क होगा। लेकिन अफगान बॉलर्स ने आखिर के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की, मैं खुद बड़ा सरप्राइज था कि जैसे जो उन्होंने बॉल चैनल्स पे किए थे, हमने देखा था शुरू के अंदर राशिद ने बॉलिंग की थी, फजल हक फारूकी ने बॉलिंग की थी, वो एंड में मुझे उनकी बॉलिंग वो काट नजर नहीं आई, जिसकी वजह से 181 रन तक रन हो गया। और अब आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल किए, दुनिया का नंबर वन चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था, आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। अब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें कि भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए, जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार तो वो दिखाई दिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अफगान क्रिकेट को बनाया, लेकिन अफगान क्रिकेट अचानक जब वो इम्प्रूव होने लगे और उसके बाद इंडिया ने उन पर हाथ रखा, तो वो बिल्कुल एक ऐसा जिन बोतल वाला जिन नहीं था वो जो होता था कि एकदम से खोला तो वो अफगानिस्तान की टीम इस तरीके से निकली कि जो हुक्म मेरे आका। अब वो आज भी उनकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आई कि जिस तरीके से गुरबाज बैटिंग के लिए आए थे, उनके टॉप ऑर्डर बैटिंग के लिए आए थे, वो पहली गेंद पे क्रीज से निकल के हिट कर रहे हैं, भाई ये कोई पिंडी की विकेट नहीं है या कोई चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर की पिच नहीं है, ये पिच फिर भी रिस्पेक्ट देने वाली पिच जरूर है। मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को ये भी बताऊं कि 47 रन से इंडिया ने जो है वो नसीम भाई अफगानिस्तान को हरा दिया, 50 रन से हराता तो और शाबाशी मिलती, वैसे तो पूरे 50 रन से हारे हो। नहीं विल बस ये कि 47 तो हमारी वैसे भी मुल्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1947 हाँ, तो उस लिहाज से, लेकिन हमारा उससे कोई इतना कंसर्न नहीं है अफगानिस्तान इंडिया के मैच में जो भी होगा, लेकिन बात यह कि फेयर क्रिकेट होनी चाहिए, बात ये कि लोगों को मजा नहीं आता थे, हम अपनी टीम पे ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई कौन सी क्रिकेट खेली आपने, क्योंकि अफगानिस्तान टीम का अपना एक एग्रेशन है वो कि अभी बिल्कुल नई क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन जो एग्रेशन उनका और टीमों के खिलाफ दिखता है वो यहाँ पर नहीं दिखा। और इतना बड़ा बॉलर राशिद खान, नो डाउट अबाउट इट, बहुत जबरदस्त स्पिनर है, लेकिन आज तक वो विकेट ही नहीं ले पाए थे, आज गलती हो गई उनसे, और जो उसके अलावा आखिर में बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी स्लो थी। हमारे लिए शायद अमेरिका के डॉलर इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इंडिया का रुपया भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और जो भी गलत करेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। आज इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था जी और जैसे सबकी एक्सपेक्टेशन थी इंडिया जीत गया, ये जो जीत का सिलसिला है हर मैच वो जीतता चला जा रहा है, क्या कहोगे इस पे? इस पे हम उनके दाद देना चाहेंगे। अच्छा? क्योंकि उनकी बैटिंग लाइन काफी अच्छी है। Okay. जैसा कि देखा जाए इनको, उनकी बैटिंग लाइन काफी अच्छी है, रोहित शर्मा है, कोहली है उनके, और अगर देखा जाए तो पांड्या है उनके, और उनके बॉलिंग लाइन अटैक काफी अच्छा है, बुमराह उनके जो टॉप बॉलर है, उन... 4 विकेटें ली हैं, 4 विकेटें आज उन्होंने ली हैं, और काफी अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज उन्होंने अफगानिस्तान की खूब अच्छे तरह धुलाई की है, बगैर साबुन के उन्होंने उनकी धुलाई की है। आप एंजॉय कर रहे थे मैच को? जी बस हमने एंजॉय करना होता है। इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी, अल्लाह माफ करे भाई, खुद जो है इतना गंदा पिल जाते हो, हर साल हिंदुस्तान तुम्हें ठोकता है और तुम अफगानिस्तान की बात करते हो।